ग्वालियर में आज कांग्रेस ने शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार की अगुवाई में नगर निगम कार्यालय का घेराव कर धरना दिया गया। धरने में प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए। निगम कार्यालय के सामने हुए धरने में कांग्रेस के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। ग्वालियर शहर में सड़क, पानी, बिजली, सीवर सहित अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि ग्वालियर नगर निगम पर पिछले 50 साल से भाजपा का महापौर है, लेकिन जो विकास और सुविधाएं प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर शहरों को मिली है, वैसा विकास ग्वालियर शहर में नहीं हुआ। कचरा शुल्क लगाने को लेकर भी जयवर्धन ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में हर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलती है, फिर भी ग्वालियर नगर निगम जनता की जेब पर भार डाल रही है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों के लिए मैदान में आकर संघर्ष करती रहेगी। पुलिस ने कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने व बिना अनुमति धरना देने पर कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। हालांकि इस धरना प्रदर्शन में विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए थे, लेकिन उनको इस कार्यवाही से दूर रखा गया है। विधायक सतीश सिकरवार जी को, हमारे जो अन्य नेता यहाँ मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जी, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष साहब सिंह जी, हमारे प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव में सुनील शर्मा जी और अन्य साथी गण सभी यहाँ मौजूद हैं। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 50 साल से ग्वालियर नगर निगम में भाजपा का महापौर रहा है, लेकिन फिर भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो शायद मिलती हैं भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, वो सुविधाएं आज भी जो ग्वालियर शहर है यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। सतीश भाई ने, जिला कांग्रेस ने 15 सूत्रीय मांगे रखी हैं, उसमें चाहे जो नया गार्बेज शुल्क लगाया गया है जनता पर, जबकि करोड़ों रुपये मिलते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, जब इतना पैसा आ रहा है स्वच्छ भारत के लिए, मैं खुद मंत्री रहा हूँ इस विभाग का तो मैं जानता हूँ, लगभग हर नगर निगम के लिए 50 से 100 करोड़ के टेंडर हुए हैं स्वच्छ भारत के लिए, लेकिन फिर भी ये अतिरिक्त शुल्क क्यों लग रहा है जनता पर, जिसकी भरपाई ये लोग कर रहे हैं जनता के माध्यम से। इससे कहीं ना कहीं आम जनता पर और बोझ लग रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो आज तक आम जनता को नहीं मिल पा रही है। उसके साथ हम याद करें, जब 15 साल भाजपा की सरकार रही तो गरीबों की पेंशन 150-300 थी, जैसे कमलनाथ जी आए तो उन्होंने पेंशन बढ़ा के 600 रुपए की, लेकिन खबर ये मिल रही है कि ग्वालियर शहर में जो गरीबों को पेंशन मिलनी चाहिए, जो विधवा माता बहनें हैं जो उनको पेंशन मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे अनेक और बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे मुद्दा सुवेज का हो, वाटर सप्लाई का हो, इन सब की आवाज़ आज यहाँ पर कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ मौजूद है। पुलिस ने धारा 188, 169 और 170 के तहत कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, महिला जिलाध्यक्ष रुचि राय ठाकुर के खिलाफ नामजद तथा 250 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये आज जो नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो ग्वालियर में एक विधायक जी और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था, वो इसमें चूंकि एसटीएम की परमिशन नहीं थी, दूसरा कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, उनका उल्लंघन करने पर सात आरोपी नामजद एवं लगभग 250 लोग, 250 लोग अज्ञात के खिलाफ FIR थाना विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड कर ली गई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।